एक बार जगन्नाथपुरी धाम के दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन धाम पहुँचे। दोनों ब्राह्मणों की उम्र में बड़ा ही अंतर था। एक ब्राह्मण तो बड़े वृद्ध और संपन्न परिवार से थे। उनके साथ जो दूसरा ब्राह्मण था वह नौजवान और थोड़ा पैसे में कमजोर था। पर यात्रा करते करते दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। इस प्रकार वह यात्रा करते करते श्री वृंदावन धाम पहुँचे। जैसे ही दोनों ने वृंदावन धाम में श्री बाके बिहारी जी का दर्शन किया, दर्शन करने के पश्चात वह अपने नगर की ओर जाने लगे। जैसे ही यह यात्रा करते हुए नगर की ओर लौट रहे थे, तभी वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब तो कोई साथी तो था नहीं। तब यह नवयुवक बड़े सच्ची भावना के साथ अपने साथी की सेवा करने लगा और इतनी प्रेम से सेवा की जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे ही वह ठीक हुआ, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस नौजवान ब्राह्मण से कहा, तुमने इतनी सच्ची भावना के साथ मेरी सेवा की है, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कराऊं, और मैं अभी का अभी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने गांव में चलकर मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। तब वह नौजवान कहने लगा, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिएगा, ऐसे नहीं वहाँ चलकर तुम सब कुछ भूल जाओ। वह वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, मैं सच्ची भावना के साथ कहता हूँ मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही कराऊंगा। यात्रा करते करते जैसे ही वह अपने गांव पहुँचे, तब वह युवक वृद्ध ब्राह्मण से कहने लगा, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ करा दीजिए। तब वह वृद्ध अपनी धर्मपत्नी और कुटुंबियों के साथ सलाह कर कहने लगा, मेरे रिश्तेदार और मेरी धर्मपत्नी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आप तो पहले ही प्रण कर चुके थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। तब वह वृद्ध ब्राह्मण गुस्से होकर कहने लगा, यह वचन किसको याद है, किसने सुना था जो तुम मुझे बार बार एक ही बात याद कराते हो। तब वह नौजवान कहने लगा, तुम इस प्रकार असत्य कैसे कह सकते हो, तुमने ही तो वचन दिया था, और जो प्रतिज्ञा देकर उसे पूर्ण नहीं करता है उसे महापाप लगता है। तब वह बुजुर्ग कहने लगा, अरे यह गांव हमारा है, इस गांव के हम संपन्न लोग हैं, तुम तो कुछ भी बातें बनाकर कह सकते हो। तब वृद्ध की बातें सुनकर वह नवयुवक पंचायत में उपस्थित हुआ और पंचायत उपस्थित कर वह पंचों से कहने लगा, हम दोनों साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और तीर्थ यात्रा करते करते जब वृंदावन से लौट रहे थे, वृंदावन से लौटते समय इस वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब मैंने सच्चे भाव से इसकी सेवा की थी। वैसे तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर यह मुझे झूठा साबित करना चाहता है, इसलिए मैंने यह पंचायत उपस्थित की है। पंचायत के लोग कहने लगे, तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। तब वह कहने लगा, आते समय इसने मुझे वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा, पर अब जैसे ही यह अपने शहर पहुंचा है इसका मन परिवर्तित हो गया है, अब यह अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है। तब पंचायत के लोगों ने विचार किया, क्या तुम बता सकते हो कोई तुम्हारा गवाह है जिसने उस समय तुम्हारी यह बातें सुनी हो। तब वह नौजवान कहने लगा, उस समय तो मैं था, यह ब्राह्मण उपस्थित थे, हम दोनों के अलावा भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, वह मेरी गवाही दे सकते हैं। तब गांव के लोग कहने लगे, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो जाकर भगवान को अपने साथ लेकर आओ, अगर वह तुम्हारी गवाही भर देंगे तो तुम इसकी बेटी के साथ विवाह कर सकते हो। पंचायत की यह सारी बातें सुनकर वह नौजवान ब्राह्मण जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन लौट आया और वृंदावन आकर श्री कृष्ण को प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आप मेरे साथ मेरे गांव को चलिए, वहां चलकर आपको साक्षी देनी है, आपको बताना है कि मेरे सामने ही ब्राह्मण ने यह वचन दिया था, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, मेरे समाज के लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, अब आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जब इस प्रकार वह सच्चे भाव से वृंदावन के श्री गोपाल जी से प्रार्थना कर रहा था, तब भगवान को दया आ गई। भगवान श्री दया भाव से परिपूर्ण हो उस भक्त से कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मूर्तियाँ चलती नहीं हैं। जब भक्त ने यह बात सुनी तब वह रोते हुए कहने लगा, जब मूर्तियाँ चल नहीं सकती हैं तो मूर्तियाँ बात क्यों करती हैं, यह प्रतिमाएँ बोलती क्यों हैं।
भक्त की यह बात सुनकर भगवान और प्रसन्न हो गए। वह कहने लगे, तुम्हारा भाव सच्चा है, तुम्हारी निष्ठा लगन बड़ी परिपूर्ण है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हम जब मार्ग पर चलेंगे तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, और मेरा एक नियम है, मुझे रोज 2 शेर भोजन खाना है। तुम रोज 2 शेर भोजन मुझे अर्पण करना, आधा तुम खाना आधा मैं खाऊंगा। भक्त कहने लगा, आप जो आदेश करेंगे मैं मानने को तैयार हूँ, पर आप मेरे साथ मेरे गांव चलकर मेरी साक्षी भरिए। अब भगवान तो चलने को तैयार हो गए, और चलते चलते भगवान ने एक शर्त और रख दी। कहा, जब तक मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना, जहाँ तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। अब तो भगवान का आदेश मान भक्त आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे भगवान चलने लगे। चलते समय उस भक्त ने भगवान से पूछा था, भगवान आप मेरे पीछे आओगे, इस बात का मुझे ज्ञान कैसे लगेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं पीछे चलते चलते पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा, उसे सुनकर तुम्हें यह आभास होता रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। भक्त तो चलने को तैयार हो गया। अब भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। कहते हैं, जब वह भक्त अपने गांव से थोड़ा ही दूर था, तब उसके मन में इच्छा हुई, काश मैं भी भगवान का वह स्वरूप देख सकूं, जिसमें भगवान मेरे पीछे चलते आ रहे हैं। ऐसा सोचकर जैसे ही भक्त राज ने अपनी गर्दन मोड़ी, भगवान श्री कृष्ण वहां स्थित हो गए। कहने लगे, अब मैं यहाँ से आगे नहीं चलूंगा। भक्त कहने लगा, भगवान यहाँ से थोड़ा ही तो दूर है, वहाँ चलकर आपको मेरी गवाही देनी है। भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जहाँ तुम पीछे मुड़कर मुझे देखोगे मैं वहाँ स्थित हो जाऊंगा। अब अगर तुम्हें मेरी गवाही चाहिए तो तुम अपने गांव के लोगों को यहाँ लेकर आओ। तब वह भक्त भक्ता हुआ उस गांव के पंचायत के लोगों के पास गया। पंचायत के लोगों से कहने लगा, श्री कृष्ण मेरी गवाही देने के लिए उस गांव तक आ चुके हैं, अब आप सब चलकर उनसे यह सारा वृतांत पूछ लीजिए। पहले तो पंचों को विश्वास नहीं हुआ, पर उस भक्त की बात सुनकर वह सब लोग भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। तब श्री वृंदावन गोपाल की मूर्ति ने उस नौजवान की साक्षी भरते हुए कहा, यह नौजवान जो कहता है वह बिल्कुल सच है। इस वृद्ध ब्राह्मण ने इसके साथ वचन किया था कि मैं अपने गांव चलकर अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा, पर यहाँ आकर यह मुकर गया, इसलिए मुझे अपने भक्त का मान रखने के लिए श्री वृंदावन धाम से आना पड़ा है। यह जो कहता है वह बिल्कुल सच है। जब सब लोगों ने मूर्ति के मुखारविंद से यह बात सुनी तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह सब कहने लगे, यह तो बड़ा दिव्य भक्त है जिसके लिए भगवान स्वयं यहाँ तक चलकर आए हैं। तब वह सब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारे मन की इच्छा है, आपने यहाँ उपस्थित होकर अपने भक्त का मान बढ़ाया है, हमारी यही इच्छा है, अब यहाँ से आप कहीं ना जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ तक चलकर आया हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कहते हैं, फिर वह श्री गोपाल जी का विग्रह लौटकर पुनः वृंदावन नहीं आया। श्री जगन्नाथपुरी के राजा ने उस स्थान पर एक बड़ा मंदिर बना दिया। भगवान का वह विग्रह अभी तक उड़ीसा के खुर्दरा गांव में साक्षी गोपाल के नाम से पहचाना जाता है। अभी तक जो लोग श्री जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने जाते हैं, वहां पर वह साक्षी गोपाल का दर्शन अवश्य करके आते हैं। हमारे ऊपर भी भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है, अपना दर्शन दीदार देने के लिए वह हर वर्ष हमें अपने पास बुला लेते हैं। बस यही उनके चरणों में प्रार्थना है, जब तक यह जीवन है उनका दर्शन हमें इस प्रकार निरंतर प्राप्त होता रहे। वह साक्षी गोपाल की मूर्ति जहाँ स्थापित है वह मंदिर भी बड़ा दिव्य है, पर आजकल परिस्थितियाँ बड़ी चेंज हैं। जब आप दर्शन करने जाते हो तो वहाँ ब्राह्मण लोग आपको बही खाता लेकर आपका नाम लिखाने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अरे भगवान के समक्ष जीव उपस्थित हो गया तभी उसकी हाजिरी लग गई, नाम लिखाने की क्या आवश्यकता है। भक्त तो अपने मन को भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करना चाहता है, यही उसका भाव होता है। तो ऐसे साक्षी गोपाल जो भक्त के लिए वृंदावन से चलकर उड़ीसा तक आ गए, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।